भारत की संस्कृति में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू समुदाय के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए भारत में ही सबसे ज्यादा मंदिर मौजूद हैं। यहां सदियों से मूर्तियों को ईश्वर की भक्ति और प्रेम का माध्यम माना जाता है। यहां हर आकार और प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं। कुछ मूर्तियां इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें छोटी सी डिबिया में रखकर लोग शुभदायक वस्तु के रूप में जेब में रखते हैं। वहीं कुछ मूर्तियां इतनी विशाल हैं जिन्हें मीलों दूर से देखा जा सकता है। कुछ ऐसी ही विशाल मूर्तियों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चिन्मय घनाधीश महाराष्ट्र। चिन्मय घनाधीश प्रतिमा महाराष्ट्र में कोल्हापुर में स्थित भगवान गणेश की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 85 फुट है। इस प्रतिमा का अभिषेक 19 नवंबर 2001 में हुआ। शिव मूर्ति हरिद्वार। हर की पौड़ी पर मौजूद भारत के उत्तराखंड राज्य के धार्मिक स्थल हरिद्वार में स्थित है। हर की पौड़ी का भावार्थ है हरि यानी नारायण के चरण। इस प्रतिमा की ऊंचाई 100 फुट है। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मिंड्रोलिंग मठ बुद्ध प्रतिमा, देहरादून। भगवान गौतम बुद्ध की यह विशाल प्रतिमा देहरादून मिंड्रोलिंग मठ में स्थित है। मिंड्रोलिंग मठ भारत के प्रमुख मठों और तिब्बत में नियंगमा स्कूल के 6 प्रमुख मठों में से एक है। इस मठ की ऊंचाई 107 फुट है। हनुमान जी की मूर्ति शिमला, हिमाचल प्रदेश। यह मूर्ति हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट जाखू पहाड़ी पर स्थित है। इस मूर्ति की ऊंचाई 108 फुट है। विशालकाय हनुमान की प्रतिमा बर्फ से लदी चोटियां और सुरमय घाटियों के साथ शिमला एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक स्थल है। यह प्रतिमा वर्ष 2010 में स्थापित की गई थी। यहां से पर्यटक सूर्योदय और सूर्यास्त के लुभावने दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। पद्मसंभव की प्रतिमा मंडी, हिमाचल प्रदेश। पद्मसंभव का शाब्दिक अर्थ होता है कमल से पैदा हुआ। पद्मसंभव भारत के एक साधु पुरुष थे जिन्होंने 8वीं सदी में बौद्ध धर्म को भूटान एवं तिब्बत में ले जाने एवं प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पद्मसंभव की प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में प्रसिद्ध रिवालसर झील के पास स्थित एक विशालतम मूर्तियों में है और इस प्रतिमा की ऊंचाई 123 फीट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। लोह पुरुष सरदार पटेल की महानता के चलते ही एक यादगार रूप में नर्मदा नदी के तट पर उनकी एक बहुत ही विशाल, सुंदर और भव्य प्रतिमा बनाई गई है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस मूर्ति की ऊंचाई 597 फुट है। तो दोस्तों, ये थी हमारे भारत में मौजूद कुछ विशाल और प्रसिद्ध मूर्तियाँ। ये आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।